से अलविदा, क्योंकि आज के बाद तुम दोनों बालवीर को कभी देख नहीं पाओगे, कभी नहीं। प्रचंडिका रुक जाओ, प्रचंडिका तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाल मित्र, बाल जाकी, उठो। हमारी वजह से हुआ। रानी परी ने हम पर भरोसा करके बालवीर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमें दी थी, पर हम वो जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पाए। बालवीर ने ना जाने हमें कितनी सारी मुसीबतों से बचाया, लेकिन जब हमारी बारी आई तब हम जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। बालवीर की बात, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप दोनों ने बेहतर कोशिश की, बालवीर को ना बचा पाने में हम सब बराबरी के जिम्मेदार। नहीं रानी परी, अगर बालवीर को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बाल सखी, बाल मित्र, आप दोनों चिंता ना करें। लीजिए, जैसे ही आपकी ढाल ठीक हो गई है ठीक उसी तरह सच्चाई और अच्छाई के रक्षक बालवीर को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि रानी परी अन्य परियों के साथ में प्रचंड लोग बालवीर को ढूंढने के लिए गई हुई है। वो सही सलामत बालवीर को ले आएंगे। बालवीर का कुछ पता चला? नहीं बाल मित्र, प्रचंड लोग में बालवीर हमें कहीं नहीं मिले, और प्रचंडिका का भी हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। हमें तो लग रहा है बाल मित्र कि प्रचंडिका ने बालवीर को किसी अन्य गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा। हमें बालवीर को पृथ्वी लोक पर भेजना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं बालवीर कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। बिना शक्तियों के प्रचंडिका का सामना कैसे कर पाएगा? हर समय यंत्र भी तो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। अब तो हमारे पास बस एक ही उम्मीद बची है कि जल्दी से बालवीर की याददाश्त वापस आ जाए और वो अपने असली रूप में आ जाए। बाल परी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपने बालवीर को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। लेकिन परियों, बालवीर को ढूंढने से पहले हमें प्रचंडिका को ढूंढना होगा। न जाने इस बार प्रचंडिका कौन सी नई चाल चल रही है। आज परियों के दो सबसे प्रिय बालवीर और पृथ्वीलोक का एक साथ अंत कर दूंगी, और पूरे विश्व में बुराई के नाम का डंका बजा दूंगी। ये क्या, इस मौसम में बरसात के काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं? जरूर कोई अनर्थ होने वाला रानी परी। प्रचंडिका और बालवीर, बालवीर, तो गाली परी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये काले बादलों में है क्या। जरूर प्रचंडिका इन काले बादलों के जरिए विनाश की कोई नई चाल रचने जा रही है। रानी परी, इससे पहले कि प्रचंडिका अपनी अगली चाल चले, हमें बालवीर को तुरंत इसी वक्त उससे आजाद कराना होगा। हाँ बाल परी, परियों, हम एक साथ प्रचंडिका पर आक्रमण करें। हाँ रानी परी। Ha ha ha!
धरती को यह आम बादल नहीं है, बल्कि परीलोक से चुराए हुए गरज बरस बादल है और इनमें मैंने अपनी पूरी शक्तियां भर दी है। अब मैं पृथ्वी लोक पर इनसे बुराई की बरसात करवाऊंगी और पृथ्वी लोक को हमेशा हमेशा के लिए बुरा बना दूंगी। नहीं प्रचंडिका, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। करूंगी, ऐसा जरूर करूंगी, लेकिन सबसे पहले खत्म करूंगी बालवीर को। धरती पर बुराई की बरसात की पहली बूंद गिरने से पहले अंत होगा बालवीर का। मेरा बल्लू कोई मुसीबत में, हे भगवान, मेरा बल्लू जहां गए भी उसकी रक्षा करना। बालवीर, रानी परी कुछ कीजिए। बालवीर, तुम अपनी ढाल से बालवीर की मदद कर सकते हो। हाँ बालवीर, जल्दी करो, बालवीर को बचा लो। आपकी हालत ये किसने? बालवीर, इस सब के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें प्रचंडिका के बनाए हुए इन काले बादलों को हटाना होगा, क्योंकि अगर हमने इन्हें नहीं हटाया बालवीर, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
बालवीर, तुम्हें इस बार जीवित बच गए, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। राय के बादलों पृथ्वी लोक पर बरसना शुरू कर दो। इन बादलों को रोकने का बस एक ही तरीका है। शाबाश बालवीर, मेरे बुराई के काले बादल टूट कर बिखरते जा रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। इस तेज तूफान के कारण मैं अपने दंत का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत खेल लिया तुमने बुराई का खेल प्रचंडिका, अब मैं इस खेल का अंत कर ही देता हूं। बालवीर, बुराई को मसलना इतना आसान नहीं है। इस बार तो तुमने बुराई को मुट्ठी में बंद कर दिया, अगली बार मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी। जब तक प्रचंडिका जीवित है तब तक बुराई भी जीवित रहेगी, याद रखना। बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ कि सही समय पर आपकी याददाश्त वापस आ गई, वरना अचानक हो जाता। याददाश्त वापस आ गई मतलब मैं अपनी याददाश्त खो चुका था, और समय यंत्र से मैं सीधा पृथ्वीलोक पर यहाँ कैसे आ गया? बालवीर, समय यंत्र में जाने के बाद आप काफी लंबे समय तक बच्चे बन गए। हम लोग कितने लकी हैं कि हमने बालवीर का बचपन देखा, और देखा ही नहीं बल्कि ये भी सीखा कि सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बनने के लिए बचपन से ही मेहनत और अनुशासन के साथ बुराई के साथ लड़ने का हौसला होना चाहिए। नटखट परी, क्या आप मेरा एक निवेदन मानेगी? हाँ हाँ, कहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने समय यंत्र की मदद से मुझे मेरे बचपन में वापस भेज दे। नहीं नहीं बालवीर, तुम्हारा बचपन जितना देखना था उतना देख लिया, अब और नहीं।
परवेश, मुझे बहुत चिंता हो रही है। स्मिता प्लीज तुम रोना बंद करो, प्लीज स्मिता संभालो अपने आप को। देखो स्मिता, खामखा परेशान हो रही हो तुम, ये ऐसे सपने कभी सच नहीं होते हैं। लेकिन महेश। हाँ भाभी, मोटा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, सपने कभी सच नहीं होते। देखा, अगर सपने सच होते तो मोटा भाई ऐसे गंजे होते, टकले टक भी ना दिन, नहीं तो मेरे ऐसे बूढ़े की तरह चलते, ये बेटा करते, और नहीं तो ऐसे भालू की तरह खूब सारे बाल होते। रॉकी, तू रोज मेरे बारे में किस तरह के सपने देखता है? सॉरी स्मिता, स्मिता तुम देखो। महेश मुझे वाकई में बहुत चिंता हो रही है, कहीं बल्लू। कुछ नहीं होगा स्मिता। क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों? पापा ने कुछ कहा क्या? ए उपाय, मैंने कुछ नहीं कहा है, वो तेरी मम्मी ने ना बहुत बुरा सपना देख लिया है, इसलिए बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो गई है। माँ बल्लू, बल्लू, बल्लू तो ठीक तो है ना बेटा? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। बेटा बल्लू, तेरी माँ ने बहुत बुरा सपना देखा, ऐसा देखा कि तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है, बहुत चिंता कर रही थी तेरे बारे में। नहीं माँ, मैं तो चाचा के वहाँ गया था, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए। तो अब कैसी है तेरे चाचा की तबीयत? अभी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है, एक बार घर पे फोन तो कर देता, तुझे पता है घर पे सब लोग कितना चिंता कर रहे थे तेरे बारे में। पक्का अगली बार याद रखूंगा। बल्लू तू ना सचमुच में एक बहुत बड़ा लल्लू है, पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे मैं तुम्हारे वो दोस्त का भाई कहाँ है, छोटू। बल्लू तू उससे मिलता ना तो तुझे बहुत अच्छा लगता, बिल्कुल तेरी छवि है। वो माँ वो अपने घर चला गया। ओ बल्लू तू क्यों हंस रहा है? वो मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं अगली बार से सबको बता के जाऊंगा और जाने के बाद एक बार फोन भी कर दूंगा, इसलिए। अगर अगर तू ऐसे ही गायब हो गया ना और फोन नहीं किया ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। अरे नहीं नहीं, आज के बाद बिना बताए नहीं जाऊंगा, और नहीं बता पाया तो जाने के बाद एक बार फोन कर दूंगा। मेरे केमिस्ट्री की बुक नहीं मिल रही। ये मेर देख, ये है क्या? मानव ये मेरी नोटबुक है, तो ऐसा बोलना। मानव मैं तुझे, ये देख मिल गई, तो ऐसा करते रहते सब कुछ मिल जाता है, बुक भी तुझसे डरती है। ए मुझे मत समझा कि मैं कैसे करती हूँ, तुम ऑलरेडी लेट हो गए, बल्लू लल्लू तो पहुंच भी गया होगा, चल ना जल्दी करना। अरे वही तो कर रहा हूँ, अगली बार जाऊंगा ना तो रानी पर से बुक ढूंढने की भी शक्ति ले लूंगा, जादू किया और सारे बुक बैग में। वाह वाह मान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मतलब क्या आइडिया दिया है ना, थैंक यू। मानव मैं तेको एक और आइडिया देती हूँ, रानी परी के पास जा और उनसे खाना खाने की शक्ति, स्कूल में पढ़ाई करने की शक्ति, होमवर्क करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ ले लेना, फिर सारे काम बैठे बैठे हो जाएंगे। अरे वाह कितना मजा आएगा, यस। चुप, ओह प्लीज स्टाइल मत मार, लेट हो गए हम लोग, जल्दी से बैग पैक कर। वही तो कर लो, बुक नहीं मिल रही है। तुझे पता है मानव, तू जब से सुपर हीरो बना है ना तू बहुत आलसी हो गया है। ये आलसी नहीं हुआ, बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ता थोड़ा थक जाता, बस बस मेरा तो बैकपैक हो गया, अब तो आ जाना जल्दी, मैं जा रही हूँ। शादी बालक को पहनाया था मोंटू की पार्टी के लिए, तुझे कहां से मिला? अरे ये पार्टी में गिर गया था तो मैंने इसे उठा लिया और एक मोमेंटो की तरह रख दिया। हरी मुझा आदि मुझा, मानव
हमारी आदि बालक के साथ दोस्ती कितनी अच्छी हो गई थी ना, इसलिए ये दोस्ती यादगार तो होनी ही चाहिए। वो कितना अच्छा था, कितना प्यारा था वो। बहुत क्यूट था। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो उसे यहीं पे रोक लेता। अरे मानव, वो क्यूट के साथ साथ शरारती भी था, याद है? नाक में दम कर दिया था उसने। और हाँ, उसे छुपाते छुपाते तो हमारी जान निकल गई थी। जैसे बोलता था ना, खड़ी मुझे आधी मुझे। सच्ची ना क्यूट था वो मानव। लेट हो गए हम लोग। अरे भाग जल्दी चल। खड़ी मुझे आधी मुझे। मेरा मतलब आया, जा। परियों, बालवीर, इस दिवाली पर हम बच्चों को कोई ऐसा उपहार देना चाहते हैं जो सुंदर भी हो और बच्चों के काम भी आए। अरे वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अद्भुत सुझाव है। उपहार पाकर बच्चे खुश भी होंगे और उनका उपयोग भी करेंगे। रानी परी, हम तुरंत ही इन्हें बनाने की तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जी नटखट परी। हाँ नटखट परी, कुछ ऐसे उपहार बनाइए जिन्हें देखते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सही कहा आपने भटकाती परी, क्योंकि हम ये सब बच्चों की खुशी के लिए ही तो करते हैं। परियों, हमें ठंड लग रही है या आप भी इस ठंड को महसूस कर पा रहे हैं? कहीं मौसम तो सर्द नहीं हो रहा? हाँ रानी परी, हमें भी अचानक ठंड लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे ये ठंड बढ़ती जा रही है। हाँ रानी परी, है लग रही हमें भी ठंड, लेकिन परीलोक का मौसम तो कभी बदलता नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी, कहीं किसी आने वाले खतरे का संदेशा तो नहीं? बालवीर, परियो, अब ये खतरा है या मौसम का बदलाव, ये तो हमें बाहर जाकर ही पता चलेगा। चलिए बालवीर। ये क्या रानी परी, ये तो पूरा परीलोक बर्फ का बन रहा है। पर ये सब कैसे हो गया और कौन कर रहा है ये सब? हिंदाना, हिंदाना। दानव को रोकना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह से आक्रमण करता रहा तो अपने बर्फीले तूफान से पूरे परीलोक को बर्फीला बना देगा। ठीक है रानी परी। परियो, आप सब पीछे हट जाइए, ये हिंदानों की तलवार का वार बहुत खतरनाक है, मैं इस काम करता। ठीक है बालवीर। हाँ
रानी परी, हमें बालवीर की मदद करनी चाहिए। बालवीर, जाइए बालवीर और इस तलवार से लड़िए। रानी परी, इस हीन दानव को समाप्त करने का कोई और उपाय सोचिए। हाँ रानी परी, कुछ सोचिए। मानव को समाप्त करने की शक्ति केवल जादुई मणि में, और ये जादुई मणि स्वर्ण लोक, नाग लोक और केवल आदि बालक के पास है। रानी परी, हमारे पास समय बहुत कम है और इतने कम समय में नाग लोक और स्वर्ण लोक से मणि नहीं आ पाएगी। अब एक ही उपाय बचा है हमारे पास, आदि बालक को बुलाना। वही समाप्त कर सकता है इस हीन दानव को। बस जल्दी हरा दो इसको, बहुत भूख लगी है। सलोनी मनीष, ये सब क्या चल रहा है? हमेशा की तरह मोंटू की दादागिरी चल रही है। अपना टिफिन खाने से तो इसका पेट नहीं भरता और दूसरों का टिफिन छीनने की तैयारी चलती रहती है। मानव, जैसे परी लोग में कोई बुरी शक्ति हम सबको परेशान करती है, वैसे पृथ्वी लोग में ये मोंटू बड़ा सा दाना बन के सबको परेशान करता है। वैसे भी इनको अपना पेट इनकी बातों से ही भरना है। और अगर हमने टिफिन नहीं दिए तो क्या? तुम्हें बातों की जगह मेरे मुक्कों से अपना पेट भरना पड़ेगा। ये गलत बात है मोंटू, तू अपने से कमजोर बच्चे पे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, तो तेरे में बहुत हिम्मत है नहीं बोलने। एक काम क्यों नहीं करता, तू आ जाया और मुझे पंजे में हरा दे। ठीक है हरा दूंगा आराम से। ये क्या बोल रहा है तू? ये सब तो मुझ पे छोड़ दे। देख मोंटू, मैं कैसे तेरे ताकत का घमंड चूर चूर कर देता हूँ। तो ठीक है मानव, अगर तूने मुझे पंजे में हरा दिया ना तो मैं सबके टिफिन वापस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रहे ये चैलेंज सिर्फ 20 सेकंड का होगा। मैं तुझे 20 सेकंड में हरा पाया नहीं, लेकिन तुझको मुझे 20 सेकंड में हराना होगा। अरे 20 सेकंड क्या, तुझे तो मैं 2 सेकंड में हरा दूंगा। और हाँ, अगर तू मुझे नहीं हरा पाया तो तुझे सब बच्चों को उनका टिफिन भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ पिज्जा भी खिलाना पड़ेगा। बोल, चैलेंज मंजूर? हाँ मंजूर, चैलेंज मंजूर। ये 20 सेकंड का चक्कर क्या है? अरे मैं 20 सेकंड के लिए अपनी फ्रीज करने वाले शक्ति से उसका हाथ फ्रीज कर दूंगा, तब फिर तो मेरा हाथ खिला नहीं पाएगा और मैं जीत जाऊंगा। अरे मानव, तेरी शक्ति 15 सेकंड के लिए ही चलती है, उसके आगे के 5 सेकंड तो उससे कैसे जीतेगा? कि मोंटू तो एक झटके में तेरे हाथ को गिरा देगा। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? अब क्या करूँ मैं? मुझे क्या पूछ रहा है? क्या हुआ मानव, हार मान ली क्या? नहीं नहीं, मैं कभी हार नहीं मानता। मैं कह रहा था कि ये चैलेंज को 20 सेकंड से 15 सेकंड कर सकते हैं। नहीं, 15 हो या 20, चैलेंज तो लग गई है ना, तुझे वो पूरी करनी ही पड़ेगी।
कम समय में इतने बड़े पुस्तकालय में आदि कालम किताब को कैसे ढूंढेंगी? चिंता मत कीजिए भटकाती परे, हमने खुद आदि कालम किताब को पुस्तकालय के उस स्थान पर रखा था, इसीलिए उस किताब को ढूंढने में हमें मुश्किल नहीं होगी। भटकाती परी, अपने हाथ आगे कीजिए। जी रानी परी। चलिए भटकाती परी। जी। आना, पंजा लगाना शुरू करें। अभी अपने फ्रीज करने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ और मोंटो का हाथ जमा देता हूँ। मोंटोस, एक पित्ती का हाथ भी नहीं हिला पा रहे हो क्या? और ये इसका हाथ छोड़, मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा है। कि मोंटो का हाथ तो ऐसे फ्रीज हो गया कि मैं भी नहीं हिला पा रहा हूँ। जादू हट गया, पर मैं तुझे मेरा हाथ नीचे नहीं लाने दूंगा। कम ऑन मानव, 15 सेकंड हो चुके। मानव, बस आखिरी के 5 सेकंड बचे, यू कैन डू इट।
आदि बालक, हमें आपकी जादू की जरूरत है। हमें बालवीर को बचाना है। बालवीर, खड़ी मुझा बड़े सिद्धी और हरा नहीं पाते एक पिद्दी। बस आपका शरीर ना हाथी की तरह, हाथी की तरह आपके अंदर ना हवा है, हवा गैस का गुब्बारा हो आप। अरे चुप कर, मुझे पता नहीं है कैसे हो गया। अरे यही तो होता है आपके साथ, सो गए होंगे आप पंजा लड़ाते लड़ाते। मैं अच्छा मौका चला गया, आपने मेरी नाक कटा दी। नाक कटवाई तो कटवाई, अब जेब भी कटेगी। मोंटू चल पूरी क्लास को पिज्जा खिला। मैं कोई पिज्जा विज्जा नहीं खिलाने वाला किसी को। मुझे तो लगता है तुम पिद्दियों ने चीटिंग की है। मोंटू चीटिंग करना तेरा काम है, अब हार के तो बहाने बना रहा है। और चीटिंग करके भी तू कौन सा जीतता है? तू लूजर है, लूजर। लूजर है, लूजर, लूजर, लूजर। मनीष तूने मुझे लूजर बोल के अच्छा नहीं किया। अब देख तेरे चेहरे की ऐसी हालत करूंगा कि तू खुद को शीशे में देखेगा ना तो खुद को पहचान ही नहीं पाएगा। आप ये रिवाइंड फॉरवर्ड कैसे हो रहे हो? जरूर ये बालवीर ने किया होगा। अच्छी सजा मिली तुझे मोंटू, अब तेरे रोज ठिकाने आएंगे। बोल मोंटू पूरी क्लास को पिज्जा खिलाता है या नहीं? खिलाऊंगा। शुक्रिया आदि बालक, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदि बालक, तुमने एक नन्हे दोस्त की तरह मेरी आज जान बचाई। खड़ी मुझा आदि मुझा, खड़ी मुझा आदि मुझा है बोलता, ये तो सिर्फ दो ही शब्द लेकिन इनसे ही है समझ लिया इसने पूरी दुनिया को। वाह आदि बालक वाह, हो तुम कमाल की। रानी परी क्या रह सकता है ये आदि बालक कुछ दिन के लिए हमारे साथ है परी लोग में? हाँ हाँ रानी परी, नहीं मिल पाए हम पिछली बार इसे, इसलिए इस बार खेलेंगे इसके साथ और करेंगे इसका खूब मनोरंजन। हाँ हाँ क्यों नहीं डुबा डुबा, आदि बालक हमारे मेहमान बनकर रह सकते हैं। खड़ी मुझा, आदि मुझा, खड़ी मुझा। रानी परी हमें आदि बालक को परीलोक में नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्यों डरी परी? क्योंकि हमें डर है रानी परी कि हीम दानव के यहाँ आने के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं। हाँ रानी परी, वरना अचानक हीम दानव यहाँ कैसे आया? हाँ रानी परी, हमें भी लग रहा है कि परियां सही कह रही है। परीलोक में अचानक हीम दानव का आना और हमारा आदि कालम किताब को लाकर उसमें से आदि बालक को बाहर लाना कहीं जुड़ा तो नहीं है? बालवीर हम भी परियों की बात से सहमत हैं, क्योंकि अगर आदि बालक परीलोक में रहेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए बालवीर इस आदि कालम किताब से मंत्र पढ़िए और आदि बालक को इनके आदि युग में वापस भेज दीजिए। हाँ बालवीर, हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए, इसमें किसी की कोई चाल भी हो सकती है। सही कहा, सही कहा। ये मेरी ही चाल है, चाल है।
प्रचंडिका। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। तुम सबके विनाश का खेल शुरू हो चुका है बाली। वाह, फाइनली मोंटू ने सारे पिज्जा मंगा लिए। वाह मानव, आज तेरी वजह से हम सबको पिज्जा पार्टी मिल गई। थैंक यू मानव, थैंक यू मानव। अरे बस बस, सब लोग मुझे ही थैंक यू मत बोलो, ये तो मेरा फर्ज था। मतलब बालवीर कहता है ना कि हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए, चाहे सामने वो मोंटू जैसा पहाड़ हो। सॉरी, हाथी हो। रोहित हाँ, ये ले, तुझे बस एक ही पिज्जा का स्लाइस मिलेगा, खुश रहे। अरे मोंटू कोई बात नहीं, तुम दोनों मिलके एक पूरा पिज्जा ले सकते हो। हाँ, हमारा दिल बहुत बड़ा है और तेरा पेट भी, एक स्लाइस से तुम्हारा क्या होगा। रोहित तू भी पूरा एक पिज्जा ले सकता है, बाकी का हम लोग ले लेंगे। सिद्धियों, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम लोग ये एक स्लाइस लो, सब लोग मिल बांट के खा लो। ये सारे पिज्जा मैं अकेला खाऊंगा। मोंटू, हम सब में सिर्फ ये एक स्लाइस? हाँ, इससे क्या होगा, तुमने सबको पिज्जा खिलाने का चैलेंज लगाया था। हाँ, मैंने चैलेंज लिया था कि मैं सबको पिज्जा खिलाऊंगा, पर कितने खिलाऊंगा ये तो मैंने बताया ही नहीं था, तो इसीलिए तुम लोग को ये एक स्लाइस ही मिलेगा, सबको मिल बांट के खाना पड़ेगा। ओके, अब मैं ये सारे पिज्जा खाऊंगा। मोंटू के बच्चे तो हम सबको बेवकूफ बनाकर खुद भी पिज्जा नहीं खा सकता। मोंटू, हमारे पिज्जा के बॉक्स ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, तू देख क्या रहा है? चल पकड़ दे इसे, पकड़। अरे बॉस क्या कर रहे हो? मोंटू, इसे कहते जैसे को तैसा। रानी परी, पिछली बार तो तुमने आदि बालक को मुझसे दूर कर दिया था, लेकिन इस बार मैंने तुमसे ही आदि बालक को बुलवा लिया ताकि मैं उसे अपने साथ ले जा सकूं। प्रचंडिका, इस बार भी तुम अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं होगी। आदि बाजी तो मैं जीत चुकी हूँ बाल परी, खुद तुमसे आदि बालक को बुलवा कर। और तुम सब तो ये भी नहीं समझ पाई कि हीम दानव को मैंने ही भेजा था। तो मैं आगे क्या करने वाली हूँ ये तो तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे। सपना तो आज दोबारा टूटेगा प्रचंडिका, और जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि आज तुम्हारा अंत होने वाला है। मेरे अंत की चिंता छोड़ दो बालवीर, अपने अंत की चिंता करो। पिछली बार तो तुमने मुझसे आदि बालक को बचा लिया, लेकिन इस बार तुम आदि बालक को मुझसे नहीं बचा पाओगे। नहीं प्रचंडिका, आदि बालक को तो तुम छू भी नहीं पाओगे, बल्कि आज तो हम तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। हाँ प्रचंडिका, यहाँ आके बहुत बड़ी भूल की है तुमने। तुम्हें क्या लगा प्रचंडिका, तुम हमारे नजरों के सामने से आदि बालक को लेकर जाओगी और हम चुप बैठेंगे?
हाँ प्रचंडिका, तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी हमें। बेवकूफ परी हो, प्रचंडिका तो आग से काजल चुरा लेती है और किसी को भनक तक नहीं होती। वारी बालक को चुरा कर ले जाना कौन सी बड़ी बात है? हरी मुझा, आदी मुझा। बालवीर, परियों, आक्रमण करो। आदि बालक को प्रचंडिका से बचाइए। वो आदि बालक को यहाँ से ले जाने में कामयाब नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं आदि बालक तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। चलो आदि बालक। अब तुम हमारे मेहमान बनकर प्रचंड लोक में रहोगे। खड़ी मुझा, आदि मुझा। आधी बालक को तो बचा लिया, पर उसे वापस नहीं भेज पाओगे, क्योंकि अब जल्द ही शुरू होगा प्रचंडिका के प्रचंड खेल का दूसरा हिस्सा। शुक्र है कि आदि बालक को प्रचंडिका नहीं ले जा पाई। हाँ बालवीर, हम बहुत खुश है, आपने आदि बालक को बचा ही लिया। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, अब हमें आदि बालक को वापस भेज देना चाहिए। हाँ बालवीर, भटकाती परी बिल्कुल ठीक कह रही है। आदि कालम किताब से मंत्र पढ़कर आदि बालक को वापस भेज दीजिए। हाँ रानी परी। कालम किताब कहाँ गई? क्षमा कीजिएगा रानी पर, आदि बालक को बचाते समय आदि कालम किताब मेरे हाथ से गिर गई और शायद प्रचंडिका उसे ले जाने में कामयाब हो गई। बालवीर, प्रचंडिका को आदि कालम किताब ले जाने से रोकना चाहिए था। बहुत गड़बड़ हो गई है परी, प्रचंडिका उस आदि कालम किताब से कुछ भी कर सकती है। रोहित, ये जो भी हुआ है ना, सिद्धि मानव के वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे आप उसे छोड़ो या नहीं छोड़ो, ये छोड़ो, लेकिन मोंटू बस मेरे लिए बस एक पिज्जा जरूर छोड़ देना। देखो मेरे मुंह में कितना पानी आ रहा है, मैं और पिज्जा से दूर नहीं रह सकता। चुप। सिद्धि मानव की अब शामत आ गई है, एक मुक्के में इसका सारा पिज्जा निकाल देता हूँ। ए मानव। अरे मोंटू, क्या हुआ? भूख लगी है? पिज्जा लेगा? मैं लेने नहीं, देने आया हूँ। मार मार। मानव,
अरे तूने तो 21 मिनट में मोंटू बॉस की हालत टाइट कर दी। ऐसे क्या है क्या तेरे में सुपर मानव? बॉस मोंटू बॉस बॉस लगा मानव तेरी बॉडी क्या लोहे की हो गई है? हाँ सच में, वरना मोंटू की माँ से तो सामने वाली की दर्द भरी आवाज निकलती है, पर पहली बार देख रही हूँ कि मोंटू दर्द से चीख रहा है। क्या खाने लगा है तू मानव? तेरे मसल्स लोहे के हो गए? अरे फ्रेंड्स, ना ही मेरी बॉडी लोहे की हुई है और ना ही मेरे मसल्स, बल्कि मेरे अंदर लोहे की प्लेट है। क्या तुम लोहे की प्लेट खाई है? मेरा मतलब मैंने लोहे की प्लेट लगाई है। ये देखो करना शबा, नहीं रोक पा रहा हूँ मैं अपनी हंसी को। पता नहीं कैसे कैसे हर बार चुरा लाती हो आप जीत के मुझसे हार। है कमाल आप, है कैसे कर लेती आप ये? दबा दबा बस हाँ, एक शब्द और नहीं कहना वरना। नहीं शातिर परी, कहने दो ऐसे जो कहना। बेवकूफों की बातों का बुरा नहीं मानते। हाँ हाँ, वो मैं ही बेवकूफ जो बना आपका साथी है। बोल रही आप मुझे बजाय मानने की अपनी गलती, हर बार ले आती हो आप इस आधी कालम किताब को, लेकिन आधी बालक को नहीं। करोगी क्या कोई ढंग का काम या नहीं? तौबा तौबा, काश तुम में इतना दिमाग होता कि तुम प्रचंडिका की प्रचंड चाल को समझ पाते। प्रचंड चाल? क्या आदि कालम किताब को भी यहाँ लाना तुम्हारे प्रचंड चाल का एक हिस्सा है प्रचंडिका? हाँ शातिर परी, मेरे बड़े से खेल का एक छोटा सा हिस्सा। मुझे इस बार सिर्फ आदि बालक नहीं चाहिए था, बल्कि आदि कालम किताब भी चाहिए थी। मैंने ये सारा हीम दानव का खेल सिर्फ आदि बालक को पाने के लिए नहीं, बल्कि आदि कालम किताब को हासिल करने के लिए रखा था। अब ये आदि कालम किताब मेरे पास है और आदि बालक उनके पास। यही है मेरा खतरनाक खेल। ओ, 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 पहेलियों की रानी! अरे बंद कीजिए बुझाना पहेलियां और जलाइए ज्ञान के दीपक, ताकि समझ में आए हमें भी कुछ। हाँ प्रचंडिका, इस किताब से कौन सा खतरनाक खेल खेलने वाली हो तुम? मैं आदि बालक और आदि कालम किताब से सब बच्चों को, बालवीर बाल मित्र बाल सखी को आदि बालक जैसा बनाकर आदि युग में भेज दूंगी, जहां से कोई वापस नहीं आ पाएगा, कोई भी नहीं। एक तीर से दो निशाने, बालवीर और अच्छाई खत्म, और उसी के साथ पृथ्वी के सभी लोग आदि बालक जैसा बनकर आदि युग पहुंच जाएंगे। इसका मतलब पृथ्वी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आदि बालक और इस किताब से कैसे होगा, जबकि दोनों अलग अलग जगह है? दोनों अलग अलग जगह जरूर है, लेकिन मैं दोनों को आपस में जोड़ दूंगी। कैसे? ऐसे। ऐसी चक्रियों से तो है खेलते छोटे छोटे बच्चे, और है खुश वो
ये कोई मामूली चक्र नहीं है तबा तबा है? ये समय चक्र है और इसी समय चक्र में समाकर सभी लोग आदि युग पहुंच जाएंगे। ये कोई मामूली चक्र नहीं है तबा तबा है? ये समय चक्र है और इसी समय चक्र में समाकर सभी लोग आदि युग पहुंच जाएंगे। प्रचंडिका, लेकिन उनको भेजेगा कौन? खुद आदि बालक। आदि बालक? पर क्यों, कैसे? अरे है नहीं वो इतना बेवकूफ के भेज दिया अपने दोस्तों को आदि युग में? आदि बालक को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो ये सब कर रहा है, क्योंकि उससे ये सब उसकी कलाई पर लगा हुआ हूबहू कलाई बंद कराएगा। हूबहू कलाई बंद? हाँ शातिर परी, जब मैं परीलोक गई थी तो मैंने आदि बालक की कलाई पर आदि कालम किताब पर इस चक्र जैसे ही हूबहू कलाई बंद लगा दिया था। खड़ी मुझा, आदि मुझा। बस अब आदि बालक उस हाथ से जिसे भी छुएगा वो हूबहू कलाई बंद में से निकले मोकरी किरणों से आदि बालक जैसा बन जाएगा और कुछ ही समय बाद मोक्यूरी बनकर आदि कालम किताब के समय चक्र में समाकर आदि युग पहुंच जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है इसका असर हमें बहुत जल्द दिखाई देगा और इस बार हमें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसका हल ना रानी परी के पास है और ना ही बालवीर के पास। अब देखते ही देखते बालवीर भी आदि बालक जैसा बनकर आदि कालम में समाकर आदि युग पहुंच जाएगा और इसी के साथ बालवीर का नाम और निशान मिट जाएगा। परियों, आप सब की बातों को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आदि बालक बालवीर और बच्चों के साथ पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। लेकिन रानी परी, पृथ्वी लोक में भी तो आदि बालक के लिए खतरा है। हम जानते हैं डरी परी, आदि बालक के लिए पृथ्वी लोक और परी लोक दोनों जगह पर खतरा है, लेकिन कम से कम ये पृथ्वीलोक से अनजान तो नहीं है, क्योंकि जब ये पृथ्वीलोक पर आखिरी बार गया था तब इसने कई सारे दोस्त बनाए थे। हाँ बालवीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसीलिए आदि बालक को पृथ्वी लोक पर ही रखा जाएगा, क्योंकि जब तक हमें आदि कालम किताब नहीं मिल जाती आदि बालक वहाँ खुशी से रह सकते हैं। खड़ी मुझा, आदि मुझा। लेकिन रानी परी, फिर भी हमें सुरक्षा के कुछ उपाय तो करने ही चाहिए ना। बालपरी, आप आदि बालक की सुरक्षा की चिंता मत कीजिए, हम आदि बालक के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाएंगे। जब भी वो किसी खतरे में होंगे बालवीर को तुरंत पता चल जाएगा। और ये सुरक्षा कवच आदि बालक को बुरी शक्ति के वार से बचाएगा। खड़ी मुझा, आदि मुझा। बालवीर, अब आप आदि बालक को अपने साथ पृथ्वी लोक लेकर जाइए। जी रानी परी। आता कितना मजा आदि बालक के साथ खेलने में हमें, लेकिन चला गया बिना मिला इस बार भी हमें वो। खड़ी मुझा, आदि मुझा।
चाहता तो था कि करें हम खूब मजा तुम्हारे साथ यहाँ, पर नहीं कोई बात, अगली बार करेंगे खूब मस्ती यहाँ। अच्छा समय चक्र घूम रहा है, इसका मतलब आदि बालक ने अपने हाथ से किसी को छुआ है। फिर मिलेंगे। खड़ी मुझा, आदि मुझा। बहुत जल्द सभी लोग आदि बालक जैसा बनकर इस आदि कालम किताब के समय चक्र व्यू से सीधे आदि युग पहुंच जाएंगे। प्रचंड विनाश काल है मेरा, प्रचंड नाम है मेरा। मानो मेहर, मैं तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त को लेकर आ गया, जो अब और भी शरारत करेगा। आदि बालक वापस आ गया, तुम्हें पता है आज ही हम तुम्हें याद कर रहे थे। लेकिन मानो हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि आदि कालम किताब प्रचंडिका के पास है। और ठीक है बालवीर, पर वो खतरे के डर से हम दुखी होकर बैठ तो नहीं सकते ना, जब तक ये आया तब तक हम लोग मस्ती करेंगे, है ना? खड़ी मुझा आदि मुझा, ये और इसका खड़ी मुझा आदि मुझा। बाली, मुझे ना एक बार आदि युग में जाके ये देखना है कि खड़ी मुझा आदि मुझा का मतलब क्या होता है। कभी नहीं, मैं ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि एक बार जो आदि युग में जाता है वो वहां से वापस कभी नहीं आ सकता। अरे बालवीर, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? माना तुम बड़े शरारती हो और तुमने हमें परेशान भी बहुत किया था, पर मजा भी बहुत आया था। खड़ी मुझा आदि मुझा ये कहना चाहता है कि तुम सब चिंता मत करो, ये तुम्हें और भी परेशान करेगा। अरे वाह, तो इस बात पर ताली। खड़ी मुझा आदि मुझा। अरे मतलब हाथ को ऐसे उठाना है और फिर ताली देना है, बस हो गई ताली। माना, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम और आदि बालक दोनों मस्ती करोगे तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? अगर तुम भी मस्ती करोगे तो उसे कौन समझाएगा? आदि कालम किताब प्रचंडिका के पास है और आदि बालक यहाँ पर है, और एक तो हमें ये भी नहीं पता प्रचंडिका के दिमाग में चल क्या रहा है, इसलिए अब हमें और भी सावधान रहना होगा। ठीक है बाजी। रोकी भैया, ये देखिए मैंने खीर बनाई है। अरे बाप, अभी मजा आएगा, मजा आएगा। डॉक्टर भैया जल्दी से टेस्ट करके बताइए कि मेरी खीर कैसी बनी है। अरे भाभी, अरे भाभी, आपकी खीर में टेस्ट करना क्या, हम सबको पता है कि आप जब भी खीर बनाती है तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हाँ, लेकिन इस बार मैंने अलग तरीके से बनाया, इसलिए जल्दी से टेस्ट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। खड़ी मुझा आदि मुझा, खड़ी मुझा आदि मुझा। खुशबू इतनी अच्छी है तो खीर कितनी अच्छी होगी। चलो अब खाता हूँ। खड़ी मुझा आदि मुझा। खीर कहाँ गई? शायद मैंने खीर ली नहीं होगी, कोई बात नहीं। खड़ी मुझा आदि मुझा। खीर फिर गायब हो गई।
करने वाला चोर है क्या? लेकिन यहाँ पे मेरे अलावा तो कोई नहीं है। लगता है यहाँ पे पक्का कोई खीर खाने वाला भूत है। एक काम करता हूँ, मैं सारी खीर ले लेता हूँ, कहीं ये ना गायब हो जाए। खड़ी मुझा, आधी मुझा। ये क्या हुआ? सारी खीर कहाँ चली गई? रॉकी भाई आपने खीर टेस्ट की? रॉकी भाई आपने क्या किया? मैंने आपसे खीर टेस्ट करने के लिए कहा था, आपने सारी खीर खत्म कर दी। हम बाकी सब क्या खाएंगे? नहीं नहीं भाभी, मैंने तो अभी तक एक चम्मच भी खीर नहीं खाई। आपने अगर एक भी चम्मच खीर नहीं खाई तो खीर क्या हवा में उड़ के चली गई? हाँ। क्या ये शोर कैसा? हाँ मम्मी कभी भी रॉकी चाचा कुछ नहीं बोलती। हाँ बालवीर तेरे कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यानी आदि बालक? आदि बालक कौन है? ये है कौन और कहां से आया है ये? मुझे सब पता चल जाता है। यहां मुझे ये बताओ कि ये इतना बड़ा ऑफिस का फैसला लेने वाला ये है कौन? कोई बात नहीं, कल ऑफिस आता हूं और सब ठीक करता हूं। ओके बाय बाय। चीज अच्छी है, हाथ दोनों से फ्री रहते हैं और बात भी हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरी खीर कौन खा गया? लगता है कोई ना कोई तो है। क्या कर रहा है रॉकी? ऐसे क्यों यहाँ बैठा क्यों है? नहीं नहीं बैठा नहीं हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा है? ढूंढ, लेकिन एक बात है, मुझे परेशान किए बगैर। हाँ बोल। हाँ 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 देखो क्या कर रहा है रॉकी। अरे भाई मना किया है तुझे परेशान करने के लिए। आदि मुझा, आदि मुझा। बोला खड़ी मुझे आधी मुझे? आपने बोला? तूने नहीं बोला है? तूने नहीं बोला तो फिर किसने बोला? खड़ी मुझे आधी मुझे किसने बोला? मालवीर अच्छा हो तुमने सही समय पे आदि बालक को वहां से हटा दिया, वरना आज हम सब फंस जाते। खड़ी मुझे आधी मुझे। मानव और प्रचंडिका के आक्रमण के बाद हमें परिलोक की सुरक्षा और कड़ी करनी होगी। हाँ इस बार हम सुरक्षा तरंगों का जाल भी लगा देंगे, तो इससे अगर दुश्मन हवा बनकर भी आएगा तो भी हमें पता चलेगा। लेकिन हमें डर है
कि हम कितने भी सुरक्षा के उपकरण लगा दें, मगर फिर भी प्रचंडिका उसका तोड़ ढूंढ ही लेगी। हो सकता है ये सही हो डरी परी, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो सावधानी बरतनी होगी। हाँ डरी परी बिल्कुल सही कह रही है, उसने आदि बालक को वापस बुलाने के लिए हीम दानव का आक्रमण करवाया। बहुत ही चालाक है ये प्रचंडिका। हाँ और पता नहीं इस बार प्रचंडिका आदि कालम किताब के साथ कौन सा नया षड्यंत्र रचा रही होगी। चुलबुली तितली ये क्या हो रहा है, ये डुबा डुबाऊ आदि बालक जैसे आदि युग के क्यों बने हुए हैं? और चुलबुली तितली क्या हो रहा है ये सब, क्यों डुबा डुबाऊ को डरा रही है आप? मैं नहीं डरा रही, बल्कि पता नहीं ये मुझे देखकर क्यों डरकर ऐसे भागे जैसे मुझे पहली बार देखा हो। चुलबुली तितली आप जाइए, हम देखते हैं। ये क्या हाल बना के रखा है डुबा डुबाई, और ये कौन सी शैतानी सूझ रही है? अरे डुबा डुबाओ ये क्या आदि बालक जैसे हर एक चीज को इतनी गौर से देख रहे हो जैसे कि पहली बार देखी हो। आदि मुझा। अरे ये तो आदि बालक जैसे आवाज निकाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? रानी परी आप कहाँ चली गई थी? बाल परी हम आदि कालम किताब की खोज के सिलसिले में गए थे, लेकिन प्रचंडिका उस किताब के साथ कहाँ है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। रानी परी हमें आपको कुछ बताना है। बताइए भटकाती परी आप क्या बताना चाहती हैं? डुबाऊ का इतना साहस कि वो रानी परी का रथ लेकर उड़ गए। हमें तो डर है कि परीलोक में कुछ बहुत बुरा होने वाला है,